हेलो गाइस, वेलकम टू रमेश ब्लॉग ऑफिशियल। तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी हैप्पी दिवाली। लोगों यहाँ तो जब से दिवाली लगा है तब से बारिश आ रहा है, तो दिवाली का कुछ वो कुछ करने नहीं पा रहे हैं हम लोग। बारिश से घर से बाहर हम लोग जब भी दिया जलाया घर में कल रात को, तो और घर के अंदर ही जलाया क्योंकि बाहर में हवा और पानी भी आ रहा है, तो दिया। और यहाँ पर देखिए पूरा कचरा कचरा हुआ है, मतलब पैंडल बना रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश से वजह से यहाँ पे कल रात तूफान और बारिश एक साथ में आया है। और देखिए यहाँ पर काली माता बाहर में मंदिर है, काली माता का मूर्ति है और इस मूर्ति को वहाँ पर पैंडल अभी तक बना नहीं है, इसीलिए बाहर में ही रखा हुआ है। मतलब बारिश से मतलब कुछ करने नहीं देता। यहाँ पर डांस कंपटीशन होता था और उस तरफ में मंदिर साइड में मंदिर है, काली माता का मंदिर है, वहीं पर इस मूर्ति को वहाँ पर लगाना था लेकिन अभी फिलहाल में पानी मतलब रुका हुआ है, नहीं तो बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ था। और इस साइड के यहाँ पर काली माता का मंदिर है और यहाँ पर रोज़ फंक्शन होता था हम लोग का यहाँ पर, तो अभी बारिश से पूरा फंक्शन भी बंद हो गया। देखिए एकदम कचरा, इस बार नहीं होगा क्योंकि जब से दिवाली लगाए तब से बारिश, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। माता मंदिर पहले साल बहुत अच्छा हुआ था लेकिन इस बार पूरा बारिश ने ख़राब कर दिया है। पूरा कीचड़ कीचड़, जहाँ जाओ कीचड़ कीचड़, काम ही करने नहीं दे रहा है। अभी थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है तो थोड़ा देर बाद फिर से बारिश आने शुरू हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। इस बार का दिवाली तो पानी में चला गया, पूरा पानी बनी, तीन दिन हो गया बारिश ही आ रहा है, तो हम लोग को कुछ सेलिब्रेशन करने नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों का गांव में बारिश हो रहा है तो